आपकी पहली जीएफ का नेम पहली थी कौन सी? मेरे को ये सूरत तो मैं जरूर भाई से मिलूंगा, ठीक है। मैंने कैमरा ले लिया, कैमरे से फिर लेंसेज ले लिए अच्छे अच्छे दिन में कितना पैसा मिलता है इंस्टाग्राम से? पैसा ही पैसा होगा। जल्दी ग्रो कैसे हुआ? आशु भाई और वंश भाई कैसे बंदे बन? भाई आपके पास इतना टाइम कैसे रहता है फोटो शूट के लिए? भाई तो भाई बहुत लाइट वेट है ये, क्या उड़ गया भाई, ठीक है। मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है। हे गाइस, दिस इज अंकित बेनीवाल, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्लिक अंकित। तो भाई थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो कोई ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, ना ही कोई व्लॉग। आज का जो वीडियो वो है क्यू एन ए वीडियो। इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो है। तो मैंने अभी स्टोरी डाली थी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे, वहीं से मैंने मेरे क्वेश्चन पिक किए आज के, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। और वहीं से मैंने क्वेश्चन पूछा और काफी सारे लोगों के वहाँ पे क्वेश्चन आए मेरे को। वहाँ पे लगभग 400 से 500 लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछे, इनबॉक्स पूरा भरा हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे और मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे काफी सारे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ये सारे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है मैं जिनका रिप्लाई देने वाला हूँ आज। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे तुम लोगों ने और में से मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये जो है बेसिक क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अंकित बेनीवाल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर और दिल्ली, ठीक है। तो जयपुर और दिल्ली का सीन ये है कि मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ वैसे, ठीक है। मेरे को जयपुर में शिफ्ट हुआ है लगभग 5 साल हुए और प्रॉपर मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है। सुशांत भाई और मिस्टर रेहान खान, पॉइंट टू आपकी एज। भाई मेरी एज है 23, 23 साल का हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम एस बी सुशांत, आपके पास कैमरा कौन सा है? तो और बताऊं कि स्टार्टिंग जो मैंने करी थी वो करी थी कैनन 1300D से, ठीक है। उसके बाद में मैं जो जूमिंग लेंस था उसी को यूज करता था, जूमिंग लेंस। तो फिर इसके बाद मैंने अपग्रेड किया था 50mm के अंदर, 50mm में लेकर आया। के बाद में फिलहाल तो मैं शूट करता हूँ वो कैनन का EOS RP से और 85mm से शूट करता हूँ मैं अभी, 85mm 1.8। तो एक भाई का और क्वेश्चन था, जय श्री राम 98 इनका यूजर आईडी है, ये बोल रहे हैं भाई ये बजट कैमरा बता। मैं कैमरास के लिंक और लेंसेज के लिंक नीचे दे दूंगा जो मैं यूज करता हूँ, जिससे आपकी भी फोटोज कुछ इस लेवल की आ सके। तो सभी कैमरास वैमरास के सबके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना, वहां से बाय भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश सिलावत 01, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? भाई देखो मेरे को सब सपोर्ट करता है घर में, क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ कुछ, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। तो इसलिए घर वाले सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे को भाई इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई हाँ, घर वालों को लगता है कि हाँ इसको इसमें इंटरेस्ट है तो उसको यही करना चाहिए। तो भाई मेरे को घर वाले, मेरा भाई, खासकर मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी काश शिलावत का है, आपके आसपास के लोग आपको स्टार समझते होंगे ना? भाई देख ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्या बात करता है यार, कि स्टार वाली कोई बात नहीं है, बाकी नॉर्मल है। बाकी काफी लोग जानते हैं भाई, गली मोहल्ले में बस जानते हैं कि भाई हाँ भाई अंकित भाई है और ठीक है, मतलब बातचीत अच्छे से करते हैं बस, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि स्टार समझते होंगे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल भाई सभी ना खूब फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, तो ये सब चीज नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई आकाश भाई, बस बस बस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके एडिटिंग लवर 01, भाई आप जॉब वगैरह नहीं करते क्या या खाली सोशल मीडिया से काम चल जाता है? भाई नहीं, मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। भाई मेरा जॉब का टाइम रहता है सुबह 10 से शाम को 5 बजे, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। पास में ये मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है और वहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो आपको पता होगा, ठीक है। तो उनका मैं अकाउंट वगैरह देखता हूँ, ठीक है। तो मैं जॉब करता हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत कुमावत ऑफिशियल, जयपुर में कहाँ पर रहते हो? भाई मैं जयपुर में सांगाने रहता हूँ, ठीक है। रितिक कोटनाके का क्वेश्चन है आपकी पहली जीएफ का नेम। भाई पहली जीएफ का नेम तो मेरे को याद नहीं है, पहली थी कौन सी मेरे को ये भी नहीं बताया। भाई सोचना पड़ेगा थोड़ा, रुको मैं सोच के बताता हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। तो भाई ऋतिक भाई मैं ऑन कैमरा तो बोल नहीं सकता हूँ नाम, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे को शुरू का अल्फाबेट बता सकता हूँ, उसका नाम भी ए से था, ठीक है, और बस यही है भाई, और कुछ भी नहीं। बाकी नाम मैं नहीं ले सकता हूँ उसके लिए, सॉरी, ठीक है। बाकी अब भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब तो क्या है, काम पे ध्यान दो अपना पूरा जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल आयुर 09, भाई आप आईफोन कौन सा यूज करते हो? भाई मैं आईफोन 11 यूज करता हूँ, ठीक है, जिससे भी वीडियो शूट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल का 33 निखिल 007, आपकी जीएफ है या नहीं? भाई देखो अभी कोई जीएफ नहीं है, अभी जो मेरा फोकस है वो मेरे काम पे, ठीक है। तो इसलिए मेरे को काफी अपडेट रहना पड़ता है अपना यूट्यूब इंस्टा सब जगह पे, जो मेरे को अपडेट रहना पड़ता है, तो भाई टाइम मिल पाता नहीं इन सब चीजों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है युग कपाड़िया 05, ब्रो कोई फोटो खींचने वाला नहीं है क्या करूं? भाई देखो कोई फोटो खींचने वाला नहीं है ना, तो देखो आसपास तुम्हारे दोस्त वगैरह हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज में, ठीक है, लेकिन भाई तुम्हारे को तुम्हारा शूट वगैरह करना है, तो तुम्हारे पे तुम्हारे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम अपने एक भाई बहन या फिर किसी को भी
कैमरा ले जाके ठीक है और शूट करवा सकते हो उनको फोटो, सिखा दो क्लिक करना और वो तुम्हारा फोटो क्लिक कर देंगे। चाहे से वो थोड़ा क्रॉपिंग व्रॉपिंग तुम्हारे को करनी पड़े अपनी फोटो के अंदर तो वहां पे तो, लेकिन तुम्हारा काम चल सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है तुम अब पेड शूट करवा सकते हो। तो आजकल जो है फोटोग्राफी फोटो शूट वगैरह का काफी ट्रेंड है, तो काफी लोग जो है पेड शूट करते हैं तो उनसे तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई। तो ये तो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो ठीक है। उसके बाद में है फोटो वाला ऑनलाइन, एक दिन में पेड वर्क के लिए कितने मैसेज आ जाते हैं। भाई देखो पेड वर्क का ये है कि आते रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि उस पर उसका डिपेंड करता है तुम्हारे अकाउंट चलने पे। जैसे भी तुम्हारा अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम्हारे अकाउंट प्रोफाइल विजिट बहुत आते हैं, काफी सारे नए लोग आते हैं, तो वो जब बायो चेक करते हैं तो वहाँ पे नंबर आता है, तो काफी लोगों को एडिट करवाना होता है तो वो वहाँ पे मैसेज कर देते हैं ठीक है। ये है वैसे तो बहुत, अभी मैं स्टोरी लगा देता हूँ तो खूब सारे मैसेज, मतलब हर मैं 10 मिनट बाद देखूंगा तो मेरे को पूरे मैसेज भरे हुए मिलेंगे, फिर 10 मिनट बाद देखूंगा तो मैसेज भरे हुए मिलेंगे, तो मैसेज तो काफी सारे आ जाते हैं। उसके बाद में इट्स नावेद अहमद, आपको कौन इंस्पायर करता है। भाई देखो ये एक बंदे का और क्वेश्चन आया था मेरे पास, 2-3 लोगों ने पूछा था कि आपको किससे सीखते हो, और एक बंदे का भी आया था कि आप एनएसबी पिक्चर्स के कितने बड़े फैन हो ठीक है। भाई एनएसबी पिक्चर का मैं बहुत बहुत इंस्पायर होता हूँ भाई से, नीरज भाई से, और एनएसबी पिक्चर्स हो गया ठीक है, और एक रोहित हो गया, और एक गणेश हो गया मिस्टर जी करके इनकी आईडी है। तो भाई ये लोग मेरे को काफी इंस्पायर करते हैं भाई बहुत ज्यादा, इन तीनों लोगों से मैं काफी इंस्पायर होता हूँ भाई मोस्टली। जैसे एनएसबी पिक्चर है भाई, मैं उन भाई को अभी तक देखता हूँ, काफी कुछ सीखता हूँ अभी उनसे, एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग, काफी सारी चीजें मेरे को उन्होंने सिखाई भी है ठीक है, मैंने सीखा है काफी उनसे। और उसके बाद रोहित है, रोहित का स्ट्रगल है काफी बड़ा, उससे भी मैं काफी इंस्पायर होता हूँ, और गणेश को मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है भाई ठीक है दिल से। तो अभी मैं जाऊंगा अभी सूरत, तो मैं जरूर भाई से मिलूंगा ठीक है, तो पूरा व्लॉग भी बनाऊंगा साथ में भाई। कल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानू फोटोग्राफी सब छोड़ो दिल्ली कब आ रहे हो। भाई देखो दिल्ली का सीन मेरा बैठ रहा है बहुत जल्दी, मेरे को किसी से मिलना है वहां पे ठीक है, तो दिल्ली आऊंगा बहुत जल्दी आऊंगा ठीक है। तो आदमी एम के पिक्चर्स, ब्रो मैं फोटो एडिट करता हूँ, फोटो क्वालिटी लो हो जाती है, प्लीज कुछ बताओ। भाई देखो बताऊँ क्या, काफी लोगों का ये प्रॉब्लम भी रहता है कि इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो लो हो जाती है, जब फोटो एडिट कर रहे हो तब तो उसको रिसाइज कर दो ठीक है, जैसे पिक्सआर्ट के अंदर रिसाइज का ऑप्शन आता है उसको हाईएस्ट रखो। इंस्टाग्राम पे अपलोड करते टाइम क्वालिटी लॉस हो जाती है, तो आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ ठीक है, उसको जाके चेक कर लेना, मैंने वीडियो बना रखा है इसका पूरा वीडियो, उसको देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स राजपूत X07, भाई आपके पास इतना टाइम कैसे रहता है फोटो शूट के लिए। भाई देखो टाइम को क्या है, ये काफी लोगों के कमेंट, काफी लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो ठीक है, और शूट के लिए इतना टाइम कैसे निकालते हो ठीक है। भाई तो देखो शूट के लिए भाई तुम्हारे को एक काम करना है, तुम्हारे को टाइम निकालना पड़ेगा। फोटो शूट अभी तुम कर रहे हो ठीक है, फोटो शूट कर रहे हो, तो मेरा क्या टाइम टेबल बना रखा है मैंने, मैं शाम को बहुत कम शूट पे आता हूँ, मैं सुबह ही जाता हूँ। सुबह मेरा ये रहता है कि मेरे को सुबह 6-7 बजे मेरे को निकल जाना है शूट के लिए, और मैं 1.5 घंटे में शूट करके 2 घंटे मान लो खींच के 2 घंटे में मैं वापस आ जाता हूँ 9 बजे ठीक है, 9-9:30 तक। उसके बाद फटाफट आया नहा धो के अपना, और फिर मैं जॉब पे निकल जाता हूँ। तो ये सीन होता है भाई, और शाम को मेरा एडिटिंग वगैरह रहता है, फोटो एडिट हो गया मेरा, पेड शूट हो गया, पेड एडिटिंग वगैरह, तो वो सब चीजें मैं ना मैनेजमेंट करना पड़ता है भाई, वो सिर्फ तुम्हारे खुद के अकॉर्डिंग दिखना पड़ेगा कि किस किस टाइम पे तुम फ्री हो, किस किस टाइम पे तुम्हारे को टाइम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक बॉय 01, भाई फोटोशूट करते हो तो पोज कहाँ से लेते हो, और इतना हार्ड एडिटिंग पीसी से करते हो या फिर एंड्रॉइड से। भाई देखो सबसे पहला कि फोटोशूट करते हो तो पोज कहाँ से लेते हो, देखो पोज का ही रहता है, आप मेरी रील्स देखना तो ज्यादातर क्या होता है मोस्टली रैंडम पोजेस होता है ठीक है, बाकी नॉर्मल पोज होते हैं वो तो अपन दे ही लेते हैं ठीक है। तो इस पे भी मेरे को लगता है कि पूरा एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये काफी लोगों की प्रॉब्लम है पोज कैसे दे ठीक है, तो अलग अलग पोजेस कैसे दे, तो भाई उसके ऊपर ना पूरा अपन कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे ठीक है, तो बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में भाई बोल रहा है इतना हार्ड एडिटिंग पीसी से करते हो या फिर एंड्रॉइड से। भाई देखो मैं पीसी से भी करता हूँ एडिट, मोस्टली जो करता हूँ वो मेरे फोन से करता हूँ, मैं आईफोन से करता हूँ भाई ठीक है, और एंड्रॉइड में पहले यूज करता था, अभी मैं नहीं करता हूँ, उसमें काफी अच्छा एडिट हो जाता है भाई ठीक है। भाई उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स रौनक खटीक, क्योंकि भाई आपके 8K फॉलोअर्स थे तब आपको फॉलो किया था, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो भाई। भाई देखो टाइम मैनेजमेंट मैंने जैसे बताया कि टाइम का ये तुम्हारे को टाइम निकालना पड़ेगा ठीक है, तुम कब फ्री रहते हो, और सुबह तुमको कोई काम है तो शाम को शूट करो, शाम को काम है तो सुबह शूट करो ठीक है, बाकी अपने जॉब वॉब का या अपने पढ़ाई का स्टडी का जो भी देखना है, तो तुम्हारे को टाइम का शेड्यूल बताना पड़ेगा भाई, एक शेड्यूल बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे मेरे को ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल केशव 777, आशु भाई और वंश भाई कैसे बंदे हैं। भाई बढ़िया बंदे, हम लोग साथ में शूट करते हैं ठीक है, आशु भाई काफी अच्छे हैं और वंश भी काफी अच्छा है, तो हम लोग साथ में रहते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, मतलब आशु भाई थोड़ा दूर रहते हैं हम लोगों से, और वंश मेरे से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रहता है, तो हम लोग जब साथ में जाते हैं शूट करने, और आशु भाई भी काफी एडवाइस देते हैं, काफी कुछ बताते हैं हमको ठीक है, तो ऐसा रहता है, बाकी सब बढ़िया भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशु भादोड़िया, अब पोस्ट पर लाइक नहीं आती क्योंकि बीच में एग्जाम थे तो पोस्ट करना बंद कर दिए थे। भाई देखो एग्जाम, देखो पोस्ट का, देखो इसका ये रहता है कि इस पे तुम्हारे को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे ठीक है, कंटिन्यू तुम पोस्ट डालोगे तो अकाउंट चलेगा,
अगर तुम रोक दोगे, रुक जाओगे या फिर एक पोस्ट डाला काफी 10 दिन तक पोस्ट नहीं डाला तो फिर अकाउंट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए भाई डेली पोस्ट डालो। अगर एग्जाम आ रहे हैं ना तो पहले ही शूट करके रख लो कि इस डेट को हमारे एग्जाम है, तो हमारे को पहले ही शूट करके रख लेना चाहिए 10-15 लोकेशन एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित 01, मीटअप कब रखोगे भाई? कम टू बन बरसाना 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 है बरसाना है, ठीक है भाई, मैंने कभी सुना नहीं भाई, सॉरी भाई। मीटअप का भी कोई सीन नहीं है, मीटअप अपन रखेंगे लगभग जब मेरे या तो देखो 200 के पे तो नहीं, बाकी या तो 500 के पे मैं मीटअप रखूंगा भाई 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश सिलावत का, आपको अभी तक किसी ने प्रपोज किया है? अरे भाई नहीं, मेरे को कौन प्रपोज करेगा भाई, लाइफ खराब हो गया है भाई। देखो रियलिटी है कि देखो काफी लोगों के मैसेज आते हैं, ठीक है, लेकिन अपन को क्या है, अपन को करना है काम, ठीक है, तो काम पे ध्यान दोगे तो। एल्विस भाई का एक डायलॉग है, दिखाना चाहूंगा भाई, लड़की के चक्कर में फंसो ही मत भाई, करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे, छोरी के चक्कर तो भाई बहुत खराब है, ठीक है भाई, तो छोरी के चक्कर तो भाई बहुत बुरा है, ठीक है, तो ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रियान ऑफिशियल XX9, ब्रो आप 0 से 125K तक कैसे पहुंचे, इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुआ? भाई देखो ग्रो के लिए ना मैंने ना मेरे यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, तो मैं आई बटन में दे दूंगा, दो वीडियो बना रखा है, ठीक है, उनको देख लेना भाई, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे, जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रो कर लोगे तुम भाई। तुम्हारे को नहीं पता तुम्हारा अकाउंट कब ग्रो हो जाए, ठीक है। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने मेरा पेज स्टार्ट किया टिप्स वाला, ठीक है, यहाँ पे पेज आ रहा होगा, ठीक है, इसको मैंने इस पे वीडियो लगभग वीडियो आप देखोगे तो मैंने इस पे 9-10 वीडियो अपलोड करा है बस, ठीक है, ज्यादा नहीं करा। उनमें से ना मेरी सारी वीडियोस पे ना बहुत अच्छे व्यूज है और एक पे तो 1.2 मिलियन है अभी रिसेंट टाइम पे, और एक पे 2 लाख क्रॉस है, और इसको स्टार्ट करे हुए मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, और अभी से इस पे ना 6,000 क्रॉस फॉलोवर्स हो चुके हैं, और जब तक आप मेरे को लग रहा है वीडियो देखोगे तब तक आप एनके फॉलोवर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो भाई ग्रो ऐसा होता है, वीडियो निकलेगा, वीडियो वायरल होता है तो अकाउंट चलता है, ठीक है, और उसको फिर मैनेज करके चलते रहो, अकाउंट चलेगा, चलता रहेगा फिर। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिर का, XZ नासिर, ब्रो शूट करने का बेस्ट टाइम? भाई देखो शूट करने का बेस्ट टाइम देखो सुबह के लिए तो मैं बताऊं 7 बजे के बाद में, 7 से 9 तक तुम कर सकते हो, ठीक है, 7, 8, 9, और शाम के टाइम पे तुम जाओ 4 से लेके 6 बजे तक, ठीक है, 4 से 6 बजे के अलावा जो गोल्डन आवर्स रहता है वहाँ पे शूट बहुत बेस्ट होता है। कभी भी दिन में मत जाना शूट पे, दिन में क्या होता है सन बिल्कुल टॉप पे रहता है ऊपर, तो शेडो हमारी ना शेडो ना बहुत बेकार हो जाती है यहाँ पे नेक पे, यहाँ पे आंखों के नीचे, तो बहुत अजीब हो जाता है वो सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफियाजान 96, भाई मेरी जी भाग के शादी कर ली, अच्छा भाई शादी कर ली ना तो एक काम करो तू भी भाग के शादी कर ले भाई, बढ़िया था सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है भाई, तभी तो मैं बोलता हूँ भाई मैं छोरी के चक्कर तो भाई बहुत खराब है, बहुत बुरा है छोरी के चक्कर तो भाई बहुत बुरा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी 14, ठीक है 14, मेरा मूड ऑफ है मैं क्या करूं अभी? तो अभी तो क्या करोगे आप, अब नहा लो धो लो खाना ना खा लो सो जाओ और मेरी वीडियोस देख लो, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गया, मेरे ब्लॉग्स वगैरह देख लो काफी अच्छे लगेंगे तुमको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMK सोहेल, एक दिन में कितना पैसा मिलता है इंस्टाग्राम से? पैसा ही पैसा हो गया भाई देखो, और एक बंदे का और क्वेश्चन था कि ऑफिशियल आयुष 8259, ठीक है, इंस्टाग्राम मंथली इनकम, ठीक है, कि मंथली इनकम कितनी है, इंस्टाग्राम कितना पैसा देता है, डेली का कितना पैसा देता है, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक बात बता दूं कि इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है, इंस्टाग्राम हमारे को 1 रुपया भी नहीं देता है भाई, ठीक है, एक चिल्लर भी नहीं देता है हमारे को, हमारे पास जो भी पैसा आता है वो आता है प्रमोशन का, ठीक है, हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी का स्टोरी प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं तो उस चीज का हमारे को पैसा मिलता है, तो ट्रेडिंग का या फिर कोई भी पेज है तो वो हमारे से प्रमोशन करवाता है उसका हमारे को पैसा मिलता है, ठीक है, ठीक है। और अभी बोनस चला था तो बोनस से हमारे को पैसे मिल सकते थे, लेकिन बोनस का ऑप्शन बहुत कम लोगों को मिला है, ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग पे दिया था उन लोगों ने और बहुत कम लोगों को मिला है, मेरे को भी नहीं मिला है, ठीक है, तो हो सकता है शायद इस बार हमारे को मिल जाए, तो इस टाइम मेरा अभी 2 अकाउंट है, दोनों में से किसी को भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वहां से पैसा मिल सकता है, और बाकी भाई जो भी पैसा मिलता है प्रमोशन का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवशा X010, ठीक है, ब्रो मॉडल बनने का ख्याल कैसे आया? भाई देखो क्योंकि मैं आपको बताऊं इस चीज के अंदर मेरा इंटरेस्ट ना बहुत पहले से, मतलब बचपन से ही मान लो तुम, एक तरीके जब मैं 10-11 साल का था तब से मैं फोटो एडिट करता था, छोटे से फोन के अंदर भी करता था भाई, है ना, धीरे धीरे फिर मैंने नया फोन लिया, भाई का यूज करता था मैं धीरे धीरे, फिर मैंने खुद का फोन लिया, उसके बाद भाई मैं क्या करता था एडिट करता था, मैं एडिट करने का बहुत शौक था मेरे को, शूट करवाने का, फोटो क्लिक मतलब बहुत शौक था, फोन को टाइमर पे लगा देता था और फोटो क्लिक करने लग जाता था, ठीक है, उनको एडिट करता था, बैकग्राउंड चेंज कर दिया और पहाड़ पे खड़ा कर दिया, पेड़ पे खड़ा कर दिया, मतलब इस तरीके के मैं एडिट करता था भाई, पर मेरे अंदर वो ना एक ना कीड़ा था भाई से बताऊं ना, तो धीरे धीरे जो है शूट अच्छा होने लग गया, ठीक है, धीरे धीरे मैंने कैमरा ले लिया, कैमरे से फिर लेंसेज ले लिए अच्छे अच्छे, तो फिर इस तरीके से
तो भाई ये सीन था, बाकी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियोजीत 2.16, तुम्हारा कौन सा कैमरा है और तुम यूट्यूब से कितना कितना बार पेमेंट पाए हो? लव यू ब्रो, प्लीज क्वेश्चन लेना। प्रियोजीत भाई देखो, कैनन में USRP यूज करता हूँ और स्टार्टिंग मैंने 1300D से करी थी। और बात की है यूट्यूब से कितना पेमेंट ले, तो भाई देखो यूट्यूब का मेरा अभी तक ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा होगा इतना बाकी रह रहा है अभी, सो करवा दो भाई जल्दी जल्दी। वीडियो को एंड तक देखते रहो यार, वीडियो को पूरा देखोगे ना तो भाई जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में वीडियोस अपन और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, मतलब बहुत सारे व्लॉग्स एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह हो गए, प्रीसेट वगैरह A to Z। तो भाई यूट्यूब से अभी तक पेमेंट कुछ भी पेमेंट नहीं आया है, ठीक है? बाकी एक आध बार प्रमोशन का जरूर आया है, बाकी यूट्यूब से मेरे को कोई पेमेंट नहीं आया अभी तक ऐड का, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब के लिए मोनेटाइज ही नहीं मेरा चैनल अभी। उसके बाद में मनीष कुमावत, आपकी मंथली इनकम। भाई देखो मेरा जो इनकम का सोर्स है ना भाई, देखो इंस्टाग्राम से खाली मेरा प्रमोशन का होता है। और प्रमोशन का देखो मैं बताऊँ ना तुम्हारे को कि जैसा हम स्टोरी का ना, पर स्टोरी का हम चार्ज करते हैं, अलग अलग चार्ज होता है, मतलब वो सामने वाले के अकॉर्डिंग है, किसको मतलब वीडियो करवाना या फिर स्टोरी डलवानी या फिर कोई पोस्ट डलवानी है उसके अकॉर्डिंग रहता है भाई, सबका अलग अलग चार्जेस रहता है, ठीक है? तो मिनिमम जो चार्ज रहता है वो रहता है 4,000-5,000, ठीक है? 4K 5K अगर कोई वीडियो डलवा रहा है या फिर कोई कोलैबोरेशन में डलवा रहा है, ठीक है? तो उसका थोड़ा ज्यादा लेता है, ठीक है? उसका लगभग 8,000-9,000, ठीक है? इस तरीके से रहता है। बाकी मंथली इनकम भाई देखो इंस्टाग्राम का ही रहता है, बाकी मेरे जॉब वगैरह से आता है, मेरा एडिटिंग हो गया, बाकी एक दो काम और है मेरे, ठीक है? तो वहीं से मेरा जो भी इनकम सोर्स है मेरा वही है, ठीक? इंस्टा से भाई ज्यादा कुछ नहीं खर्चा पानी निकलता है भाई, एक तरीके से मान लो आप। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सीध भाई, फोटोग्राफी में करियर है या नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और घर वालों का अच्छा नहीं लगता। भाई देखो मेरा कहना ये है यहाँ पे कि देखो करियर हर फील्ड के अंदर है, ठीक है? मैं भी कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे को अच्छा लगता है तो तुम्हारे को जरूर करना चाहिए भाई, ठीक है? अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी मान लो तुम मन मार के अपने घर वालों के अकॉर्डिंग कोई काम कर लोगे, लेकिन बाद में तुम्हारे को पछतावा होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए तो भाई होता है, देखो घर में प्रॉब्लम होती है, मेरे भी होती है, ठीक है? मेरे भी होती है प्रॉब्लम, काफी बार ऐसा होता है कि ना कि ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, ठीक है? तो वो सब चीज हो जाती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, थोड़ा बहुत होती है। तो भाई घर में प्रॉब्लम सबके रहती है, लेकिन अगर भाई तुम एक काम कर सकते हो, घर वालों के घर वाले जो चाहते हैं वो भी कर सकते हो, और साइड में लेके भी इसको काम कर सकते हो, ठीक है? जैसे जैसे तुम अच्छा करने लग जाओगे ना तो घर वाले सपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है? 100% करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SWTXJ, तो जय भाई आप बहुत अच्छी रील बनाते हो, कौन से ऐप में एडिट करते हो? भाई देखो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं दो ऐप यूज करता हूँ मोस्टली, VN और CapCut, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल ऑफिशियल निखिल चौहान, भाई आप अपने बाल कैसे सेट करते हो, मेरे तो नहीं होते, प्लीज रिप्लाई दो। तो भाई देखो बालों का सीन ही रहता है, बालों के जब भी आप सेट करो ना, देखो जब भी आप नहा कराओ, ठीक है? तो बालों को पहले सुखा लो, ठीक है? अपने कंघी मार के सुखा लो, उसके बाद में भाई मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा वैक्स यूज करता हूँ, ठीक है? तो अर्बन गबरू का मैं यूज करता हूँ, आपको बता भी दूं, ठीक है? थोड़ा सा वैक्स लेना है और हल्के जब गीले बाल रहते हैं हल्के हल्के से गीले नॉर्मल, फिर उसको सेट करके कंघी से, फिर आपको हल्के हल्के उन पे सेट करना है, उसके बाद में ड्रायर से सेट करना, थोड़े सूख जाए ना आपके बाल, पूरे सूख चुके हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जो रोल वाला कंघा आता है ना, उससे मैं रोल कर लेता हूं थोड़ा सा, और उसके बाद भाई मैं यूज करता हूं अर्बन गबरू का हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स, ठीक है? इसको यूज करता हूँ, और भाई इसको मैं ना बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, बहुत मतलब मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था ये और वैक्स, ठीक है? तो वैक्स तो मैं कर रहा हूँ यूज, और इसको भी मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। तो मान लो ये ओनली 10 ग्राम का है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये ओनली 10 ग्राम का है, लेकिन भाई ये इसमें तुम्हारे को लगेगा कि जब से आया ना ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है भाई, खाली है, लेकिन भाई इसके अंदर अभी भी काफी सारा है, ठीक है? अभी तक मेरे चल रहा है ये, अभी तक चल रहा है ये, ठीक है? और मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी तक, अभी भी देखोगे ना आप, मैं दिखाता हूँ उसको, तो ये देखो इस तरीके से काफी सारा इसमें अभी भी है। तो भाई बहुत लाइट वेट है ये, क्या उड़ गया भाई, ठीक है? तो बहुत लाइट वेट है, इसको आप यूज कर सकते हो, इसको यूज करोगे ना, अबे भाई इसको हटाओ यार, तो भाई इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? इसको यूज करके ना आपको ज्यादा नहीं हल्का स्प्रिंकल करना अपने बालों, और उसके बाद भाई जो वॉल्यूम आएगा ना बालों के अंदर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? तो ये कहां से मिलेगा मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां से आप बाय कर लेना, ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपके सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो वीडियो का कौन सा पार्ट जो है आपको बेस्ट लगा वो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर देना कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो। तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।